गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैरवा स्टडी पॉइंट पर। गाइज अपने 8 सवाल और रह रहे हैं, उन 8 सवालों को करने वाले हैं, फिर अपना जो ये चैप्टर है यानी कि जो पटवारी का पेपर है जिसमें मैथ साइंस रीजनिंग जो अपन ने सॉल्व किया है वो पूरा हो जाएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास को। 140 6 नाटक PQRSTUMU को जरूरी है कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक आर मंगलवार को हुआ। नाटक पी यू तथा क्यू एक के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए। नाटक एस सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। आर के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित होगा। 6 नाटक दे रखे हैं PQRST, यानी कि यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये सोमवार है, ये मंगल है, शनिवार हो गया। 6 नाटक PQRSTU को जरूर नहीं कि इसी क्रम है सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक आर मंगलवार को हुआ, आर यहाँ पर होता है। नाटक पी यू और क्यू एक के बाद एक इसी क्रम में अथवा प्रदर्शित किए गए हैं। नाटक एस सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं है। नाटक एस यहाँ पर देखो, नाटक एस है वो सोमवार को भी नहीं है, सोमवार को भी नहीं है और बुधवार को भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, दोनों कंडीशनों पर नहीं है। कौन नहीं है? एस, एस यहाँ पर भी नहीं है। तो अब एस यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तीनों में हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर मैं एस को यहाँ पर लगा देता हूँ तो तीन नाटक इसमें कंटिन्यू है। देखो पी यू और क्यू, अब पी यू की कंटिन्यू को कहाँ बैठाएंगे? जब यहाँ पर एस रख देते हैं तो ये दो ही बचते हैं। एस को यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पर भी नहीं रख सकते, यहाँ पर भी नहीं रख सकते, यहाँ पर भी नहीं रख सकते, सॉरी यहाँ पर तो रख सकते हैं। अगर यहाँ पर एस को मैं रख देता हूँ तो यहाँ पर ये तीनों कंटिन्यू बच जाते हैं, एक दो तीन कंटिन्यू है। तो यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, और कौन सा है, पी क्यू, पी क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया और टी। तो यहाँ पर है तो टी हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, आर के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित होगा? आर के बाद पी होगा, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है, यदि सफेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ है बैंगनी और बैंगनी का अर्थ है नीला, मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो यहाँ पर जो रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और लाल को इसमें बोल रहा है कि लाल का अर्थ है पीला। तो यहाँ पर ऑप्शन है जो डी एकदम सही हो जाएगा, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 145 को क्या कहना है, यहाँ पर यह है 54, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 24। नेक्स्ट है यहाँ पर है 112 और यहाँ पर है 42 और यहाँ पर है 70। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर है 28 और यहाँ पर है 38। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही समय आ रही होगी क्या, देखो 24 और 30 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, 70 और 42 को 112 और 38 और 28 को जोड़ेंगे 8, 8, 16, 3, 2, 5, 6, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 66 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 66 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 को यहाँ पर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 यहाँ पर है 272 -32 कोष्टक पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि इसमें से घटा देंगे, 2 में से 2 घटाया 0 बच गया 7 में से 3 घटाया 4 बच गया और 2 240 बच गया। इधर सॉरी हाँ बिल्कुल यहाँ पर कोष्टक है तो मल्टीप्लाई, इधर है 124 और 76 74 24, 100 और 100 200 यानी कि 300। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 15 करेंगे तो 15 × 7 = 105 और 15 × 1 = 15। तो यहाँ पर 5, 5 और 255 इसमें से -15 कर देंगे तो यहाँ पर है जो 240 × 300 / 255 हटा देंगे तो 240 बच जाएगा और 240 से 240 तो यहाँ पर 300 आंसर आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर 300 जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पर एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर पानी से भरा है, यानी कि जो 147 है ये एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर कोई बेलन है, ये बेलन मान लेते हैं, यहाँ पर इसकी जो
त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। पानी से भरा है, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या, यानी एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। को पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि वह पूरा डूब नहीं जाता, पानी का स्तर बढ़ गया, यानी कि ये बेलन है, बेलन के अंदर इस गोले को डुबोया जाता है, जब तक ये पूरा नहीं डूब जाता जब तक डुबोया जाता है, तो इसके अंदर यानी कि जो पानी का स्तर वो कितना बढ़ेगा, माना कि यहाँ तब तक इसमें पानी है। अब उसकी ऊंचाई अपन को कोई जरूरत नहीं है कितना पानी है इसमें, अपन को ज्ञात ये करना है कि इसको डूबने के बाद कितना पानी इसमें ऊपर चढ़ेगा, ये एज ज्ञात करना है इसका। लेकिन ये तो निश्चित है कि जब ये इतना, माना कि इतना पानी चढ़ा, तो इतना पानी किसके आयतन के बराबर चढ़ेगा, यहाँ पर जो एक गोला है गोले के आयतन के बराबर यहाँ पर ऊपर पानी बढ़ेगा इसके अंदर, यानी कि गोले का आयतन और इस जगह का जो आयतन है वो सेम होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, और इधर जो ये जगह है इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, यानी कि ये बेलन है तो बेलन का यहाँ पर आयतन क्या होगा, πr² और h, क्योंकि इसकी ऊंचाई h मानी है अपने, और यही ज्ञात करना है h कितना होगा, तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर r और यहाँ पर r अलग अलग है, इसको स्मॉल r मान लेते हैं, इसको कैपिटल r मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जो इसको r और इसको कैपिटल r, इसको कैपिटल r, तो यहाँ पर 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर r, स्मॉल r बराबर कितना है अपना, स्मॉल r बराबर है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 × 3 × 3 बराबर, यहाँ पर कैपिटल r बराबर क्या है, 4 × 4 × h, अब यहाँ से 1 3 से 1 3 कट गया है, और यहाँ पर 4, यहाँ पर है जो 1 4 से 1 4 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3 3 9 बराबर, इधर है 4h, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 9/4, इसमें चल रहा सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर यानी 9/4 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट ऊपर बढ़ जाएगी पानी की, तो इसमें ये क्यों तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ये भी मस्त क्वेश्चन है, यानी कि 12.5% को पकड़ लेते हैं अपन, 12.5%, इसका मतलब है 1/8, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी 8 रुपये कमाता है तो 1 रुपये की बचत करता है, क्योंकि वो 12.5% है जो बचत कर रहा है, मतलब ये तो उसकी क्या हो गई, बचत हो गई, ये एक तो, और ये उसकी क्या है, आय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पर माना कि उसकी जो आय है, आय और बचत और खर्च, यानी कि आय अगर 8 रुपये, 1 रुपये की बचत करता है 7 रुपये खर्च कर देता है, सीधी सी बात है भाई, 8 रुपये आए, 1 रुपये बचा लिया, 7 रुपये खर्च कर दिया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है, तो 875 सवाल के अंदर दिया गया है, जो दिया गया है उससे रिलेटेड वैल्यू टू जो पूछा है, 875 दिया गया है, 875 क्या है, 875 उसका खर्च है, खर्च यहाँ पर कितना है 7 × पूछा क्या है, पूछा क्या है यहाँ पर उसकी आय क्या है, आय कितनी है 8 से गुणा कर दूँ, 7 से काटेंगे, 7 × 7 एक बच जाएगा, 7 × 14 3 बच गया, 35 हो गया, 75 125, और 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 = 25 × 200, यानी 800 200 1000, यहाँ पर 1000 रुपये उसकी जो आय है, ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 में पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि अब इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, यानी कि एक तो अपन क्या करें, पहली 6 प्राकृत संख्या लिखें, यानी कि 1, 2, 4, 5 और 6, और इनका वर्ग करें, वर्ग करने के बाद में, जोड़ने के बाद में फिर इसमें 6 का भाग दे दें, एक तो ये तरीका है, यानी क्या करना है अपन को, औसत ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ने के बाद में जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे, यानी कि राशियों के योग बटे राशियों की संख्या औसत का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका, यानी कि जो सॉल्व है, अब दूसरा तरीका क्या है, यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग,
यानी कि कोई भी योग का फार्मूला हो उसके अंदर जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे तो वो औसत निकल जाता है। तो यहाँ पर अपन को योग का पता होना चाहिए, औसत तो अपने आप निकल जाएगा। यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा उसका जो फार्मूला होता है यानी कि वो होता है एन इंटू एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये योग का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर अपने पास की संख्या n है तो n का अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसके अंदर तो ये n कट जाएगा और ये औसत का फॉर्मूला बन जाएगा, औसत बराबर n प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को औसत निकालना है, n बराबर कितना अपना 6, यानी कि संख्या कितनी है 6, 6 प्लस वन यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन 7, यहाँ पर 6 दून 12 और 13 लिख सकता हूँ और यहाँ पर नीचे 6 है, ये यहाँ पर 13 7 91, 6 का भाग दे दूँ 6 7 6 8 8 6 9 54 15 56, तो 15 56 90 है, तो यहाँ पर 90 हो गए, एक बच गए 0 लगाएंगे पॉइंट 6 कम 6 कितना बच गया 4, 40 हो जाएगा और यहाँ पर 6 5 30, 13 7 91 15 56 90 एक बच गया 6 कम 6 4 बच गया और 6 छक्का इसको यहाँ पर करेंगे 6 छक्का 36 6 चक्का 36 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15.16, तो अपना 15.16 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 का भी मस्त क्वेश्चन है 150 नंबर का है। जो एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि एक बैग में यानी कि 1 रुपया और 50 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है, यानी कि जो 1 रुपये के हैं वो तो 2.5 सिक्के हैं और ये 3 सिक्के हैं और ये 4 सिक्के हैं। अब यहाँ पर अपन इनके रुपये बना लेते हैं, यानी कि अगर 2.5 सिक्के 1 रुपये के हैं तो 2.5 रुपये ही होगा, यानी कि 1 रुपये के 2.5 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2.5 सिक्के तो 2.5 रुपये हो जाएंगे, इधर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया हो जाएगा और इधर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर टोटल रुपये काउंट करेंगे अपन तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 4 और 5 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब अपने सवाल में क्या दिया गया है, यानी कि वही फॉर्मूला जो दिया गया है उससे रिलेटेड वैल्यू तो जो पूछा है, यानी कि 420 सवाल में दिया गया है, यानी कि टोटल रुपये दिए गए हैं 420 और उससे रिलेटेड वैल्यू अपने रुपये कितने आ रहे हैं 5 इंटू पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की संख्या कितनी है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से काटेंगे 5 अंटर 40, 2 बच गए 5 चौके 20, 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 12, हासिल 22 1 8 24 25, यानी कि 252 यहाँ पर कितना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 252, तो यहाँ पर 252 एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई होप आज जो आपने जो सवाल करवाए हैं वो आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।